नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। शहर के श्यामला हिल्स थाना क्षेत्र के पॉलिटेक्निक चौराहे के समीप लूट की एक वारदात सामने आई है। पॉलिटेक्निक चौराहे पर लूट में कारोबारी के कर्मचारी से 20 लाख रुपए छीन कर युवक फरार हो गया। हालांकि पुलिस इस बात को पचा नहीं पा रही है। डीसीपी के हस्तक्षेप के बाद थाना पुलिस ने एक्सीडेंट और मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिए पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। टीआई के मुताबिक पॉलिटेक्निक चौराहे से रोशनपुरा की ओर जाने वाले मार्ग पर दो बाइक सवारों का एक्सीडेंट हुआ था और इस बात पर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और मारपीट होने लगी। पुलिस इस बात की पुष्टि कर रही है कि दोनों पक्ष का पहले से कोई विवाद तो था नहीं। श्यामला हिल्स पुलिस ने लूट की घटना से फिलहाल इनकार किया है। पुलिस उस वक्त सिर्फ एक्सीडेंट और मारपीट की बात को स्वीकार रही है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक रात करीब 8:30 बजे अज्ञात बदमाशों ने कारोबारी के कर्मचारी से 20 लाख रुपए लूटे और वह फरार हो गया। बता दें कि पॉलिटेक्निक चौराहा सीएम हाउस से मात्र 400-500 मीटर दूरी पर स्थित है, वीआईपी जोन में। इस तरह की बड़ी वारदात पुलिस की सक्रिय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। घटनाक्रम पॉलिटेक्निक चौराहे से अपन जो रोशनपुरा तरफ जाते हैं वहाँ का है, काफ़ी व्यस्तम रूट है और जो घटना का टाइम बता रहे हैं 6:30 से 7 के बीच का, तो उसकी पुष्टि ये हुई है कि घटना उस समय जो हुई है वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बाद मारपीट झगड़ा हुआ, तो जो एक्टिवा वाले हैं वो वहाँ से गाड़ी छोड़ करके अपनी भाग गए थे और जिनसे झगड़ा हुआ फिर ये किधर गए क्या है तो इस तरीके से, और बाद में ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो अभी उनकी पुष्टि की जा रही है कि क्या है इनका आपसी कुछ विवाद तो नहीं है और उस टाइम पे जो घटनाक्रम आया वो एक्सीडेंट और मारपीट का है। सर, लड़ाई किससे हुई थी, वो 20 लाख रुपए का कैसे मामला सामने आया? अभी कोई क्लियरेंस नहीं है, ना राशि का कोई क्लियरेंस है। इनका लड़ाई झगड़ा किससे हुआ? लड़ाई झगड़ा ये राज और सुनील करके लड़के हैं जो एक्टिवा पे जा रहे थे और इनकी आपस में गाड़ी टकराना, इन्होंने बताया कि गाड़ी टकराई उस पास से विवाद। फरियादी कौन है इसमें, क्या कारोबारी है? नहीं, ये कारोबारी नहीं है, ये नौकर है, कारोबारी के यहाँ नौकरी करता है और इसीलिए इस घटना का वो पूरा जो है कि एक्सीडेंट हुआ और मारपीट हुई और फिर गाड़ी छोड़ के भगना और फिर पुलिस के पास जो है तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें अभी नहीं आई, तो इनकी पुष्टि कर रहे हैं कि कहीं तो उसने ये बताया है कि 20 लाख रुपए की लूट नहीं, अभी ऐसी कोई घटना ऐसी अभी नहीं आई है और क्या है वो पूरी तस्दीक की जा रही है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।